दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना यादव पर। जय हो माता रानी की, राज राधे। आप सब माता रानी की कृपा से सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो चलिए, हम कहाँ जा रहे हैं आज आपको आगे दिखाएंगे, तो कौन सी जगह जा रहे हैं और हम क्या चीज़ लेने जा रहे हैं, तो चीज़ सब जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। आ रही हूँ आज हरिओम साड़ी सेंटर, जो कि यहीं पे है। ये तो मैं आ रही हूँ आज साड़ी के लिए यहाँ पे। भैया नमस्ते। अंदर और देखते हैं साड़ियाँ यहाँ पे, बहुत साड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, पर ढेर में ढूंढनी पड़ेगी क्या साड़ियों में कलेक्शन। आज जा रही हूँ साड़ी सेंटर से, और मुझे साड़ी यहाँ पे अच्छी तो थी, कलेक्शन भी अच्छा था, लेकिन पर मुझे पसंद नहीं आई साड़ी, क्योंकि एक साड़ी लेनी है तो अच्छी हो, इसलिए मैंने नहीं ली। 75 बताई थी भैया। क्यों राधे राधे वाला, ये वाला कितने का है वो आप देख लो, अगर आपको छोड़ना है बेशक छोड़ दूंगा। कपड़ा तो अच्छा है इसका, अच्छा है कपड़ा, एक अच्छा वो है, हल्की ज्यादा हल्की है, मेरे पास भी है पर बहुत हल्की है साड़ी। ये अच्छी सी कोई मिल जाए, वहाँ पे मुझे हजीरा में पसंद नहीं आई थी कोई भी, तो यहाँ पे भी देखते हैं हम साड़ी। ये बहुत अच्छी लग रही है, ये अच्छी लगी मुझे ग्रीन वाली। तो एक दो घंटे लगते हैं दवा लेने में, तो मैंने क्या अपनी दवा बनवा ली थी पहले से, इसलिए जल्दी मिल गई दवा, वही चल रही है तो बनवा लेती हूँ। और यार दिखाना है डॉक्टर को, बैठना पड़ता है यहाँ पे, अभी तो दवा ले ली मैंने अपनी और चलते हैं घर पे अपने। बहुत सुंदर है। हाँ। अरे साड़ी ब्लाउज, साड़ियों साथ में ब्लाउज है, अलग है, मतलब ब्लाउज की साड़ियाँ आएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे साड़ी तो बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है, अभी दवा लेने आए थे तो अभी साड़ी नहीं ले सकते हम, क्योंकि दवा के हिसाब से पैसे लेके आए थे। तो चलो, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, उसमें तो दोनों अच्छी लग रही है, कोई भी नहीं, दोनों अच्छी लग रही है ना, ठीक है, हाँ अच्छी लग रही है। ये हमारे घर के पास में ये बांस की गलियां, यहाँ से दिन भर बांस बांस ही बांस। हाईवे पे अब भाई अभी भी गर्म हवा चल रही है, दुकानों को घूमने के बाद लिया है हमने, वैसे वो सूट मुझे पसंद था तो टंगाया, जो मिला अच्छा लग रहा है, सुंदर है वो सूट, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर 2500 का बता रहे हैं वो पहनेगी है नहीं, एक दिन पहनेगी तो कोई मतलब नहीं है 2500 रुपये डाल के। ये है कैफ्री, अभी क्या है गाँव में ये नहीं सही रहेगा है ना, घर में तो पहनी रहेगी पर वहाँ पर कैसे। एक ये
ये वाला दिखाना, हटाना इसको, ये ऐसे करते हैं। ये लक्ष्मी माता के लिए देख रहे हैं मछली। ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला, ये भी अच्छा है। ये टॉम एंड जेरी वाले हैं। ये कौन सा मिक्की माउस वाला है? ये कौन सा है? ये हाँ मिक्की माउस, ये मिक्की माउस का प्लेन माउस, ये ऐसा है। ऑनलाइन हो जाओगे तुम? ये गणेश एम्पोरियम रेखा फोन कर रही है। हम तो यहाँ पे यहीं से सारा कपड़े ले लेंगे। 455। तो वही, तो हमने शॉपिंग कर ली और साड़ियाँ ले ली हैं और हम दुकान से निकलते हैं यहाँ से, अंकल की दुकान से साड़ियाँ लेके अपनी और बेडशीट, यहाँ से सामान ले चुके हैं। ये देखो फूलों की माला बहुत सही है। चलिए चालू कर लिए, तुम निकलो आराम से निकल। इसमें पीले कलर का मिल जाए तो ठीक है। यहाँ से ले लिया अपने श्रीखंड, यहाँ से सांची का श्रीखंड लिया यहाँ से अपने बच्चों के लिए, और चलते हैं अब यहाँ से घर पे अपने। भोले के मंदिर में गुब्बारा लगा दिया इधर, देखो वो लगाया गुब्बारा। पानी कौन फैला रहा है? तो ये आया माइंड गर्ल का भागवत का पत्ता फैला रहा है भागवत का पत्ता। आज बढ़िया है। कितना उंगली कर रहा, तूने पानी फैलाया है? अच्छा हाँ, ये तो काफी बड़े बड़े हो गए बच्चे तो, बहुत छोटे भी देखे थे उन्हें तो। वाइपर से पानी साफ कर रही है। चलो पर्चा देने आए थे भागवत का, चलो अब तुम्हें लिवावे काजे आए हम। हाँ चलो मामा भागवत में। मामा जावे लाइक कहाँ है? आए गठिया आए थे, देखो हाथ देखो मामा के टेढ़े हैं लगी है, टेढ़े गए हाथ पे सब। गठिया भाई बहुत बुरा रोग होते हैं। नहीं तो गाड़ी में चलते हो वहाँ पे, अब ज्यादा तबीयत खराब है तो फिर कोई गुनाह नहीं। जब कमरा से बस कट गया तो बड़े ने कर दिया, 500 बोल गया ना। पर भागवत में पैसा काऊ से लेना भी ना आने, मतलब मने हो गया। हां उधर से खीरा विदा भी लिया। चलो फिर चले जा, कल चले जा, देखते हैं कल क्या ले जाते। तो ये देखो ये हमारे मंदिर की है, जो मंदिर बना है अभी हमारा, इस मंदिर की पटिया लगेगी ये मंदिर पे, तो वहाँ की है ये। और ये हमारे बाबा अम्मा की जो मूर्ति रखी जाएंगी, दादी सास की और ससुर की, तो उनकी है ये। दोनों की पटियाँ बन चुकी हैं जो लगेंगी दोनों की ये मंदिर पे, और ये उनकी समाधि है। तो वही तैयार हो गई हैं सब, और भागवत भी है अभी, तो तैयारी शुरू हो रही है हमारे घर पर, हो चुकी है। तो इसलिए ये देखो ये चिड़िया बैठी है ना, इसका घोंसला ये रखा है, बहुत सालों से रखा है, पर यहाँ पे इस पाइप पर चढ़ के और चिड़िया ने, बिल्ली ने इसके बच्चे खा लिए। अभी एक होगा, क्योंकि यहाँ से गाड़ी हटा दी हम लोगों ने, गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी से चढ़ के आ जाती थी, गाड़ी हटा दी अब बाहर से। तो चिड़िया है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, पानी रख देते हैं यहाँ पे, पानी ख़त्म हो गया है।